हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के बापू सभागार में हैं, जहां आरजेडी की राष्ट्रीय अधिवेशन हो रही है। और इस अधिवेशन से पहले आप देख सकते हैं यहां झंडा उत्तोलन की तैयारी है और ख़ास अंदाज में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं जो यहां पे झंडा आज फहराएंगे। आरजेडी का झंडा फहराया जाएगा, यहां पे तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे। हमारे साथ यूथ आरजेडी के अध्यक्ष कारी सुहैब साहब हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ। कारी साहब, रेड नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए कि आज यहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है? नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी आएंगे, झंडा तोलन करेंगे, उसके बाद अधिवेशन, जो खुला अधिवेशन है उसमें जाएंगे। ये पार्टी की परंपरा रही है कि जब जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो पार्टी का झंडा तोलन होता है, या शिविर लगा वहाँ राजगीर में, वहाँ भी झंडा तोलन हुआ। और यूथ राजद के जो अध्यक्ष होते हैं उनको ये जिम्मेदारी होती है, वो इसके कन्वीनर होते हैं, उनके नेतृत्व में झंडा तोलन होता है। तो पिछले दो तीन बार से दो तीन बार से चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ, राजगीर में हुआ या एक बार और वहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ, ये तीसरी बार हमारे नेतृत्व में, मतलब हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि झंडा तोलन करवाइए। तो हम लोग सारे यूथ राजद के तमाम साथी लोग मिल करके इसकी तैयारी किए हैं और नेता आएंगे, झंडा तोलन करेंगे, फिर वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में जाएंगे। तेजस्वी यादव जी यहाँ झंडा फहराएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे। लालू प्रसाद यादव जी को 11वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है आरजेडी का, क्या कहना चाहेंगे आप? उसी यही उत्साह है, ये जो आप देख रहे हैं लोगों में, बिहार भर से लोग आए हैं, पूरे बिहार में एक उत्साह है, खुशी की लहर है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को 11वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, उसी के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और विधिवत तौर पर आज दिया जाएगा उनको सर्टिफिकेट और ये झंडा तोलन हो रहा है। एक उत्साह है, खुशी है, चूँकि आज जो देश में जो हालात बना दिए गए, देश तो अब मेरा बिल्कुल टूटने के कगार पे है। ऐसे हालात में सिर्फ एक मर्द मुजाहिद, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, जो मनुवादी व्यवस्था के मानने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और उनकी जो पूरी अपनी नीयत है या उनकी जो अपनी पूरी ख्वाहिशात है उसको पूरी होने में जो दीवार बन के खड़े हैं, वो एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। भाजपा के पेट में दर्द होता है लालू के नाम से। ये जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, समाज तोड़ने वाले लोग हैं, भाई भाई में लड़ाने वाले लोग हैं, खून करने वाले लोग हैं, खून पीने वाले लोग हैं, ये सब खून पीने वाले लोग हैं जिनके साथ नीतीश कुमार खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने तो हद कर दिया, कल के बाद तो नीतीश कुमार सहित पूरे जदयू के तमाम नेताओं का ज़मीर मर चुका है। अगर जिंदा है तो तुरंत जदयू को छोड़ें, क्योंकि ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। इसको मुसलमान हिंदू बनाया जा रहा नहीं, ये मुसलमान तो एक बहाना है, दलित पिछड़ा असल निशाना है। ये आरक्षण ख़त्म करने का जिस तरह से आप बताइए, पूरे ये सबसे सहिष्णु धर्म रहा हमारा हिंदू धर्म, जो चूहा और बिल्ली और सबको पूजने का काम करता है, पत्थर भी, ये किसी का खून नहीं कर सकता है, लेकिन किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, एक साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। पूरे दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है बहुत बड़ा, इसको देश समझने लगा है। ये जो अटैक करवा करके तरह तरह का षड्यंत्र खड़यंत्र कर करके जिस तरह से आपने वोट ले लिया, लेकिन इंसान तो समझदार होता है ना, इसलिए ये सब चल रहा है, इसी से यहीं से बिगुल फुकाएगा आज। सब लोग चलेंगे गांव-गांव, राजद के लोग, युवा राजद के लोग, अब बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी। कारी साहब, आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पे भी आप पे हमलावर है, बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जिसके नेता ही जेल में हैं वो बात क्या करेंगे, उस पार्टी की कल्पना ही क्या की जा सकती है? सर, ये सीधी सी बात है, ओम प्रकाश चौटाला का पोता दुष्यंत चौटाला जिस दिन शपथ लेता है, उसका बाप हजारों करोड़ के गबन में जेल में था, उसी दिन वो आदमी रिहा हो जाता है। अमित शाह का बेटा रातों रात हजारों करोड़ का मालिक हो जाता है, वो उसको कुछ नहीं होता है। कांडा जो MLA था वहाँ, जो क्या नाम था वो महिला का, जिसके बलात्कार के लिए जो महीनों, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय महीनों आंदोलन किए थे उसी कांडा के खिलाफ। आज वो कांडा जब इनको समर्थन कर देता है, कमल छाप नाम उनसे नहा लेता है, तो वो एकदम साफ हो जाता है। सारे चीमानंद वो बलात्कार करते हैं, वो स्वीकार करते हैं,
वो जेल में नहीं रहते हैं और लोगों को मार दिया जाता है, बच्चियों को जला के मार दिया जाता है, उस समय भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है। सिंगर जो उसका एमएलए है, सारा सबूत हो गया, सब कुछ साबित हो गया, बलात्कार में बलात्कारी है ये तय हो गया, भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी 45% भाजपा के सांसद बलात्कारी हैं संसद में, कुछ नहीं हो सकता है। आपको देख लीजिए, बंगाल की जो ममता बनर्जी के पार्टी की थी, वो द्विवेदी कौन नाम भूल रहे हैं, अरे कौन रेल मंत्री थे जो, उनके ऊपर शारदा घोटाले का जितना भी आरोपी था लोग, बड़ा बड़ा घोटाले, सब भाजपा में चला गया, सबका केस खत्म हो गया। छोड़ दीजिए ना, अजीत पवार जी 72 घंटे का डिप्टी सीएम हो गए, सारा केस खत्म हो गया, 72,000 करोड़ का घोटाला खत्म हो गया। सब जानता है कि लालू यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, सिर्फ इसलिए जेल में बंद है क्योंकि वो मनुवादियों के की मंशा को पूरी नहीं होने दे रहे हैं। वो गरीब गुरबा शोषितों की आवाज़ हैं, वो अकलीतों की आवाज़ हैं, वो मोहब्बत इंसानियत प्यार के अलम्बरदार हैं, वो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खड़े रहते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो जो लोग खून की बात करते हैं, जो लोग खून चूसने और खून पीने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खड़े रहते हैं, जो दंगा फसाद करवाते हैं, जो घरों को उजाड़ते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हत्या लूट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ अमर नेता खड़े हुए हैं। इस वजह से वो जेल में हैं और 100 बार राष्ट्रीय जनता दल लोग जेल में जाने को तैयार है, लेकिन राजद और राजद का विचारधारा इन मनुवादियों के सामने झुकने को तैयार न था, न है, न रहेगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार ने जो गद्दारी किया है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और बिहार की जनता जवाब, तेजस्वी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के गद्दार वाला जो शासन है उसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मनुवादियों को, दंगाइयों को, बलात्कारियों को, सबको अंदर करेंगे। अगर आज बलात्कारियों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं हो रही है, अगर आज फांसी की सज़ा होए तो एक दिन में सैकड़ों भाजपाई जेल जाए, भाजपाई को फांसी की सज़ा हो जाएगी। लेकिन आप नीतीश जी पे हमला कर रहे हैं, आपके पार्टी के रघुवंश बाबू जो हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता के साथ गद्दारी किया है, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरा दुनिया जानता है, और पीठ में छुरा भोंकने वाले को बिहार की जनता जवाब देगी। तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व और लालू जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले तेजस्वी जी को बिहार की जनता सत्ता सौंपेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव मोहब्बत प्यार इंसानियत की बात करने वाले नेता हैं, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं और लड़ाई जैसी भी हो हम लोग लड़ेंगे। चलो, ये थे यूथ आरजेडी के अध्यक्ष कारी सुहैब, जिनका कहना था कि आरजेडी जो है वो बहुजन की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी जीतेगी और मनुवादी जो ताकते हैं उसकी पराजय तय है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। हम है रैड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।